So guys, hello and what's up and welcome back to my channel once again guys. तो भाई आज आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिस दिन Horizon Zero Dawn for PC Complete Edition आ चुका है और अभी हम लोग इस गेम का कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। वैसे तो इनिशियली कुछ चेंजेस किया है मैंने इस गेम के अंदर जो कि ज़रूरी था, बट स्टिल ये गेम ऑलमोस्ट एज इट इज़ हम लोग आप लोगों के सामने रखेंगे और आप लोग इस गेम को हमारे साथ अनबॉक्सिंग का एंजॉयमेंट ले सकते हो। और भाई मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आज हमारा जो फैमिली है यूट्यूब का ये 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुकी है भाई। तो गाइस थैंक यू। और अभी हम करने वाले इस गेम का अनबॉक्सिंग, तो चलो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं भाई। तो भाई ये हमारा ओपनिंग स्क्रीन है और यहाँ पे चलो हम चलते हैं न्यू गेम के तरफ, इजी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि भाई नहीं पता मेरे को एग्जैक्ट कंट्रोल्स वगैरह इस गेम का अभी तक नहीं मालूम है। सो इसको इजी पे रखते हुए अब आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। और पता नहीं भाई लोडिंग कितना ज़माना लेगा ये लोडिंग करने में, देखते हैं एक बारी कितना ज़माना खाता है ये लोडिंग करने में। A few moments later. तो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारा गेम के एकदम अंदर। और यहाँ पे अगर आपने इनिशियल मोमेंट्स देखा होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे एलॉय नाम का एक लड़का होता है जिसका बर्थ का नेम को ब्लेस किया जाता है। और फिर एक आंटी आती है, पता नहीं कौन है, जो कि आके बोलती है कि ये इसका नाम है कर्स्ट, इसका नाम को कर्स है इसका नाम पे, बट पता नहीं एग्जैक्टली क्या होता है। सो वो देखना पड़ेगा हमको आगे। यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, डिस्प्ले में जाते हो, तो इसको आप 60 हर्ट्ज पे कंप्लीट कर सकते हो। ये मैं बताना भूल गया था, तो यही मैं बताना चाहता था। तो चलो देखते हैं। Well done, that's a good boy. तो काफी कूल ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है इधर। Children, come with me. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लड़की को एकदम से अलग कर दिया जाता है, कि आउटकास्ट बोला जाता है। तो भाई पता नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन है, बट इसका ग्राफिक्स और लाइटिंग का बात किया जाए भाई साहब इतना तगड़ा है ना, आप खुद ही देख सकते हो भाई साहब। इसका आगे कंप्लीट रिव्यू भी आने वाला है, बट अभी तो हम इन जनरल रिव्यू करने वाले हैं। ओहो क्या मस्त वाला ग्राफिक्स दिख रहा है, देख रहे हो भाई। ये कहाँ पे, कहीं पे शायद से गिर गई है, शायद से कोई गुफा वगैरह कुछ ऐसा ही कुछ है, ये पता नहीं भाई। रॉस्ट कौन है, रॉस्ट कौन है, आई डोंट नो। गेम आगे बढ़ेगा तो पता चल लगने ही वाला है। A gift from the past. Okay, nice. देखना पड़ेगा, आ जाओ भाई यहाँ से हमारा। ओहो, nice. Looks tight, but I can get through. Controls अभी तक काफी आसान लग रहा है मेरे को अभी तक का controls. I don't know आगे का controls कैसा होने वाला है। अरे भाई साहब यहाँ पे चूहा वगैरह दिख रहा है यार। यार एक तो रात में बैठ के मैं शूटिंग कर रहा हूँ और डर लग रहा है, पता नहीं क्या क्या आने वाला है। अच्छा यहाँ पे बोला जाता है कंट्रोल्स क्या क्या है। कंट्रोल्स जनरल तुमको अपना पीसी वाला कंट्रोल्स ही देखने को मिल जाता है गेम के अंदर।
यार भाई गॉड बता रहा हूँ, इस गेम का विजुअल्स को देख के इतना ज्यादा तुमको डर लगने वाला है ना, ट्रू 4K तुमको देखने को मिल सकता है इसमें, ट्रू 4K HDR देखने को मिल सकता है इस गेम में। इसको वे आउट चाहिए और हमको शांति भाई। अब मुंह के सामने कोई टपक मत जाइयो, कोई टपकना नहीं है मुंह के सामने किसी को भी। तो भाई यहाँ पर आप अगर विजुअल्स के बात करें या रियलिस्टिसिटी के बात करें, अगर आप अभी मेरे सामने होते तो मैं बताता कि एग्जैक्टली क्या होता है। और अगर आप अभी आप हेडफोन्स पे हो तो आपको अभी भी पता लग रहा होगा कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है। आ जाओ देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्पेक्शन के बारे में चल रहा है, अभी कुछ आ जाएगा देखना। ओके दिस इज अ डेड बॉडी मैन। ओ भाई क्या तगड़ा वाला सीन था भाई यहाँ पे। भाई साहब सच बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे आप देखो एग्जैक्टली ग्राफिक्स चेंज देखो आप, आपको पूरा पता लग जाने वाला है कि एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। Lights everywhere. How does it do this? ये देखो यहाँ पे आपको इस, ये एक मैप की तरह काम करता है आपके लिए, आप धीरे धीरे पूरा चीज को। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ओके यहाँ पे आप पूरा रूम को स्कैन कर सकते हो, तो आप आराम से इस रूम्स के अंदर ब्लास्टिंग वगैरह कर सकते हो। तो आप एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका ये स्कैनिंग मशीन की तरह काम करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या फीचर्स हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। बट स्टिल आपको एक ही चीज शायद से मेरे को लगता है इसमें दिक्कत आने वाली है, वो है शटर के, जो कि इनिशियल बिगिनिंग फेजेस में देखने को मिल जाता है आपको थोड़ा बहुत शटर्स एंड लैग गेम में, जो कि किसी को अच्छा नहीं लगता है। बट आपके पास अगर उस लेवल का डिवाइस है जिसमें आपका शायद RTX 2080 वगैरह है, तो उसमें आराम से चल जाना चाहिए ये डिवाइस। तो भाई अभी हम लोग इस गेम को एक समराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ इट्स इनिशियल लुक्स। तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, ये गेम का इनिशियल लुक में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप इसका इनिशियल स्टोरी बिगिनिंग के बारे में बात करें तो इसको आप इजीली आउट ऑफ 10, 9 दे सकते हो। अगर आप इसका लोडिंग टाइम के बारे में बातचीत करना चाहते हो तो भाई लोडिंग टाइम में मैं इसको 7 दूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि HDD पे ये काफ़ी स्लो लोड होता है। इसका अगर ग्राफिक्स का इनिशियल ग्राफिक्स के बारे में बात किया जाए तो इसको आप 9.3 दे सकते हो। लैग एंड शटर के बारे में बात किया जाए तो इसको आप 9.5 दे सकते हो, और लाइटिंग के बारे में बात किया जाए तो इसको आप आराम से 9.7 या 9.8 दे सकते हो, और इनिशियल रेटिंग के बात किया जाए पूरा गेम के बारे में तो मैं इस गेम को आराम से 9.4 दे सकता हूँ आउट ऑफ 10। सो ये आपके ऊपर है कैसा लगता है गेम, आप इस गेम को ज़रूर से खेलिए अगर आपके पास है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको गेम कैसा लग रहा है। उस बेसिस पे एक कंप्लीट रिव्यू आने वाला है हमारे इस चैनल पे कुछ ही दिनों के अंदर, मैं भी इस गेम को खेलूंगा और उस रिव्यू के अंदर मैं ये डिस्कस करूंगा कि इसका स्टोरी मोड कैसा है और बाकी फीचर्स के बारे में भी इसमें काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन किया जाने वाला है। तो भाई उस वीडियो को लिए इंतज़ार करें, और इस वीडियो का आप बताएं कि आपको खेलने के बाद कैसा लगा।
कितना आपको अच्छा लगा ये गेम, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो भाई यही था हमारा इनिशियल अनबॉक्सिंग इस गेम के बारे में, क्योंकि इसमें तो कोई एसएच पैक्स देखने को मिला नहीं है। तो फिर मिलता है भाई एक अगला और कंप्लीट वीडियो के साथ। और भाई कमेंट में ये भी बता देना इस संडे हम कौन सा गेम खेले लाइव स्ट्रीम पे, GTA 5 या वैलोरेंट। जो आप बोलोगे वही गेम खेला जाएगा इस संडे लाइव स्ट्रीम पे। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा तो वो भी कमेंट पे बता देना। कोई सजेशन है हमारे चैनल को लेके वो भी बताना भाई। बाकी अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। और हमारा सोशल मीडिया लिंक्स अपना डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके जरूर से चेकआउट करें हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स को। और मिलते हैं आपके साथ ऐसा ही एक धमाकेदार नया वीडियो में। टिल देन गुड बाय।